नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप एक मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो और ITI का कोर्स कर रहे हो, फिर चाहे वो SCBT हो या फिर NCBT, मध्य प्रदेश में ITI कर रहे हो और सेकेंड ईयर में हो और अपने सेंटरों की चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हम चॉइस फिलिंग करते थे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की, तो वो MPA ऑनलाइन के जरिए किया करते थे, ठीक है ना। MPA ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहाँ से हम चॉइस फिलिंग किया करते थे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की। लेकिन अब यहाँ पर साइट बदल दी गई है, किसी को भी साइट पता नहीं, बहुत से कम लोगों को पता है, इसीलिए ऑनलाइन शॉप या फिर साइबर कैफे वालों को परेशानी आ रही है। इसलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको चॉइस फिलिंग करनी है बिना वक्त जाहिर किए हुए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको सिंपली गूगल पर कुछ भी सर्च नहीं करना है, आपको सिंपली एड्रेस बार पर जाना है। देखिए यहाँ पर एड्रेस बार पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है mpiti.cbtexam.in। जिस तरह से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, सेम टू सेम इसी इन्हीं वर्डों को आपको टाइप करना है, ठीक है ना। mpiti.cbtexam.in आपको एड्रेस बार पर लिखकर एंटर कर देना है, ठीक है ना। तो जो आपकी ITI चॉइस फिलिंग की वेबसाइट होगी वो डायरेक्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से डायरेक्ट वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब फिर यहाँ से आपका कोई भी हो, जो भी हो, आपका SCBT हो तो SCBT सेलेक्ट करें, अगर NCBT है तो NCBT सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर NCBT सेलेक्ट किए लेता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है यूजर आईडी की जगह पे, और पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है बिना ऑब्लिक बिना डैश लगाए हुए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी 27 फरवरी 1995 डेट ऑफ बर्थ है तो आपको 2702 1995, ठीक है ना, इस तरह से आपको अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। और यहाँ पर जो भी आपको नीचे की तरफ नोट लिखा देखे उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा ये रहेगा कि आप जिस भी सेंटर को एक बार सिलेक्ट कर लेते हो उस सेंटर को दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकोगे, एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हो एक सेंटर को। इसीलिए ध्यान से करें, जोन आपका जो भी संभाग लगता हो उसको पहले सिलेक्ट करें, इसके बाद शुरुआत करें सिलेक्ट करना, ठीक है ना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।